एकदम हथा खत्म हैगा, खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हथका, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथकाए वो नालो सो माता रकम मिली नाई ढूंढ के आये। अच्छा गायब है, गायब कैसे हुई? अनंत संगत में तो बिछड़ेगा, ये हतन में तो कर वो यहाँ से गवाने पता नहीं चल रहा है। प्रभु की गाड़ी जैसे निकल के गई है ना, उसके बाद हुआ है ये कुछ हुआ है। ये हाथरस में हुए देश भर को बेचैन करने वाले हादसे से ठीक पहले की सत्संग की तस्वीर है। देखिए कैसे लोग खुशी में झूम रहे हैं। मंच से संभवतः बाबा नारायण साकार हरि या सत्संग के आयोजकों की आवाज गूंज रही है। मंच के नीचे जैसे भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। पंडाल के अंदर भी और पंडाल के बाहर भी पैर रखने की जगह नहीं है, ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। इसी तस्वीर में ये भी देखा जा सकता है कि पंडाल में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ पल बाद इनके साथ ऐसा खौफनाक हादसा पेश आने वाला है। सुनिए चश्मदीद शकुंतला देवी क्या बता रही हैं। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव। सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हथा खत्म हैगा, खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हथका, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथकाए वो नालो सो। तो गांव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई। दबने से। कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब मौत तो मालूम नहीं है, चारों लोग कितने गए कितने नहीं गए। 27 डेड बॉडियां एटा में आ गई। हाँ कितनी मौत हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होगी। शकुंतला देवी का कहना है कि सत्संग खत्म होते ही भीड़ एक साथ निकल पड़ी। सड़क ऊंची नीची थी और बड़ा नाला था, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे तो भगदड़ मच गई। इसके बाद तो लाशें बिछ गई। देखिए अब अपनों की तलाश में लोग जुटे हैं, किसी के बिटिया गायब है, किसी के घर की बहू लापता है। छाया नाम है, आगरा से आए हम। बच्चे का नाम क्या है? छाया। कितने साल की है? 15 साल की। अरे काम वाले नहीं भेजे? नहीं मिल नहीं, नहीं। भैया भेज। दिमाग नहीं है, वो बोलती नहीं है बिल्कुल, रोवती है। क्या लोग आए थे आप लोग? रोवती है, मते अब 6-7 जने, 20-25 जने हैं। तो गायब क्या लोग हैं? अकेली लड़की गायब है बस। मिल नहीं रही? नहीं मिल रही। यहाँ कोई बताया नहीं किसी ने? नहीं बताई, बता रहे हैं कभी यहाँ बता रहे कभी माता रखो मिली ना ढूंढ ढूंढ के आये। छोटे भाई पड़ोस के उनकी बहू आई थी, पत्नी जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की, वो यहाँ से गवाने पता नहीं चल रहा है। जिला बदायूं से। क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग, एक वो एक नहीं है। कैसे हुआ या क्या हुआ था? ये पता ही नहीं, सब संगत में इधर को लोग गए हैं, वो पता ना क्या हुआ क्या ना हुआ। कितने लोग गायब होंगे लगभग? हमें ये पता जानकारी नहीं है। तो गायब है और भी लोग गायब हैं? और भी गायब सुने जाते हैं। नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। पुलिस प्रशासन कुछ बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है कोई। यहाँ माइक नहीं लगा हुआ था? माइक लगा हुआ है, मैं हम आए आवाज लगवाने को, यहाँ कोई बता ही नहीं रहा है, माइक ही नहीं। वो भगदड़ मच गई थी? हाँ भगदड़ बता रहे हैं, भगदड़ मच गई थी। आप नहीं थे? हम पल्ली तरफ से, इधर से निकल के पल्ली तरफ को निकल गए थे, बाकी लोग। दिल दहला देने वाली एक और तस्वीर इसी हादसे के बीच आई है। लाशों और घायलों से भरे टेम्पो में एक महिला अपनी बच्ची को बचाने के लिए चित्कार मचा रही है, इसकी गुहार आपका सीना छलनी कर देगी। सत्संग में मचे भगदड़ से पहले की तस्वीर देख ली, हादसे के चश्मदीदों को सुन लिया, अब जरा हादसे के बाद वीरान हुए उस जगह को भी देख लीजिए जहां नारायण साकार हरि के बुलावे पर करीब 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे। ये वही जगह है। अब इतने लोगों की बेवजह मौत इस वीरान पंडाल में दिखाई दे रही है, मौत का सन्नाटा पसरा है। खैर योगी सरकार ने जांच बिठाई है, देखिए असली गुनहगार कौन सामने आता है।